introduction, my name is Dr. Bhagyashree Bharpure, and I have completed my graduation from Krishna Institute of Medical College from Karad in 2015. After that, after a year of internship, I started working with Dr. Pradeep Joshi, sir, for 1.5 years. And while doing my part-time job, I was preparing for NEET. And I got through the NEET, and I am now a specialist in gum treatment and also in implantology. So I have placed implants in my patients. And after the my post-graduation, I have been working with Dr. Udaybi Shakti's Sir's Clinic, where I have learned all the advances in implantology, and I have also learned about how there are various options in implants. There's no normal implants, but there are other implant techniques as well. So I've learned a lot from him. And my message to all the patients and everyone is that please do visit your dentist at least once in a year so that you can save your teeth, because your tooth is like a diamond and it should last till your end. So Dr. Bhagyashree मेरे साथ काम किया है, एंड शी इज काम, उसका हाथ भी एकदम अच्छा है, पेशेंट्स के साथ बात करने का तरीका अच्छा है, प्लस वो जल्दी सीख भी लेती है, सो उसको कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, तो फिर वो उसका प्रैक्टिस में भी वो दिखता है जब वो क्लिनिक पेशेंट के सामने जब प्रैक्टिस करती है तो. सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हर न्यू फ्यूचर. So like I said, after my graduation, I started working with Dr. Pradeep Joshi, sir. And I've learned everything right from the root canals out, all the basics of the dentistry from him. And also how to maintain your patient relations with you, with the doctor and patient relation, how to improve, I've learned from him. And I'm blessed to have him as a mentor. Kya bolna chahte sir aap? Yeah, you are a very hardworking and sincere student. And I wish her all the best in her future clinic. Coincidentally, I opened my clinic on 26 Jan itself, around 42 years back. So it's a very lucky day for me, and it will be the same for her. Yes. Thank you. आज यहाँ पर जो dental clinic का opening हुआ है, दत्तात्रेय भारगुडे साहब जो पूर्व एसीपी रहे और उनके बेटी जो भाग्यश्री, उनके लिए उनके पिताजी ने ये डेंटल क्लिनिक खोला हुआ है, और बेटी जो भाग्यश्री को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और साथ में ये पूरा इंटीरियर और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिन्होंने बुलवाई है, वो है मेरे बॉस सिनेवेस्टर के ओनर रोनी रॉड्रिक जी, उनके तरफ से भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ भाग्यश्री को. भाग्यश्री जी ने नए एडवेंचर डेंटल क्लिनिक ओपनिंग के दरमियान उन्होंने कहा मीडिया से कि हमारे अचीवमेंट के लिए का सारा क्रेडिट हमारे पिताजी को जाता है, जिनका एक मेहनत है आज जो मुकाम पे है. तो बेटी की सफलता के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं. भाग्यश्री शुरू से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, स्टूडेंट थी, और उनका जो टैलेंट था, डेडिकेशन था टुवर्ड्स द स्टडी, इट वाज वेरी गुड. तो उसके लिए वो उनका वो टैलेंट देख के मैंने उनको मेडिकल फील्ड में डाल दिया, और सी उन्होंने वो तुरंत पूरा कर दिया है. बचपन से मेडिकल के प्रति रुझान था आपने? बचपन से ही मेडिकल में उनका ये था लगाव. शी इज वेरी गुड डेंटिस्ट आल्सो, हर प्रैक्टिस इज आल्सो नाइस. सर एक मैसेज दीजिए हर बात के लिए कि बेटी भी बेटा जैसा ही, मतलब पढ़ाओ लिखाओ, यानी बेटे के पीछे पड़ते बहुत सारे लोग अभी भी, बाप होने के नाते बाकी के जो होते हैं पिता, जो बेटी को इतना कुछ प्यार मतलब नहीं मिल पाता है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे तो कभी बेटी और बेटा का फर्क कभी मालूम ही नहीं पड़ा, और बेटी ही सबसे अच्छी रहती है ये मुझे महसूस हुआ है. लोग बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग हैं कि बेटी होने पर वो तो खुश भी नहीं होते, बहुत लोग मतलब नहीं, ये तो बहुत गलत है. मेरी बेटी ये तो डॉक्टर है, दूसरी डॉक्टर बेटी पायलट भी है, नाउ शी इज इन आयरलैंड, सो बोथ हैव डन वेरी गुड. आपको कितना प्राउड लग रहा है कि आप
इस तरह की पापा मिला आपको, इतना सपोर्ट मिला, हर बेटी को ऐसा फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, कैसे आप? मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे मेरे मॉम डैड दोनों भी इतने सपोर्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने हर बात पे मुझे सपोर्ट किया है, हर बात पे मेरा साथ दिया है, मेरे हर डिसीजन को उन्होंने अच्छे से बोलते ना सराखों पे लेके ये किया है, तो आई एम वेरी प्राउड. माँ होने के नाते बेटी की इस अचीवमेंट सक्सेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वो ये करती है, डिजर्व करती है, ये अचीवमेंट वो डिजर्व करती है, वो बहुत टैलेंट है, ब्रिलियंट है, और उसका डेंटिस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरह से हाथ भी, कॉस्मेटिक सर्जरी भी करती है. उसके सक्सेस के पीछे मैम आपका कितना मेहनत रहा है? बचपन में रहा, बाद में नहीं रहा, बचपन से है, अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं. ज्यादा इस 10th स्टैंडर्ड तक था, बाद में उनका खुद का जिम्मेदारी उठा ली खुद की जिम्मेदारी. ये एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तमाम गेस्ट आ रहे हैं, तमाम आपके रिलेटिव आ रहे हैं, जो भाग्यश्री को बेस्ट विशेष दे रहे हैं, इनके फ्यूचर के लिए विशेष देने, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? तमाम गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद. उसने उसका जो टैलेंट है सोसाइटी की तरफ उसने वो यूज करना चाहिए. भाग्यश्री की खुशी का आंसू दिख रहे हैं, मतलब आपको मेरे रोनी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक संदेश भेजा है. ये रॉनी रॉड्रिक्स वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड एंड डिवोटेड टुवर्ड्स द सोसाइटी और सबको हमेशा सपोर्ट करने वाले रॉनी सर है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ.